ये है होंडा सीबी ट्रिगर का मीटर। ये कुछ ऐसी हालत में आया था, बोर्ड इसका अंदर से पूरा सड़ा हुआ था, देख सकते हैं, जिसकी वजह से हमने इसका ये बोर्ड कैंसिल करके इसके लिए दूसरा बोर्ड अरेंज किया कहीं से। और ये बोर्ड हमने चला के देखा तो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा था। और फिर हमने इसमें लाइट चेंज करने के लिए बैकलाइट वाइट करी, डिस्प्ले वाइट कुछ इस तरीके से दिख रही थी, फिर हमने इसको डार्क थीम में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मा डिजिटल मीटर रिपेयर में। ये मीटर मेरे पास हरियाणा से आया है और ये बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से वाटर डैमेज था। ये मीटर रिपेयर करने के बाद भी मतलब इसमें पूरा दिन अगर मैं लगा भी देता तो ये रिपेयर होता कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं था, तो मैंने इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया और इसके लिए मैंने दूसरा बोर्ड अरेंज किया। बट फिर भी देखिए मैंने कितना मतलब मैं इसको कैंसिल क्यों कर दिया, रिपेयर नहीं करूँगा इस ये ऐसा क्यों कह दिया मैंने, उसका एक रीज़न अभी आपको बता देता हूँ। मैं अभी मैं आपके सामने इसको क्लीन कर रहा हूँ क्योंकि पहला मेरा ट्राई तो यही रहता है कि मीटर कोशिश करूँ कि रिपेयर हो ही जाए, कस्टमर का जितना हो सकता है उतना कम खर्चे में काम हो जाए। तो इसमें मैंने सभी केमिकल लगा के इसको अच्छे से साफ करने की कोशिश करी, बट जब साफ में इसको कर रहा था तो देख सकते हैं इसकी आईसी की पिने ही पूरी गल चुकी थी, जो कि खराब हो चुकी थी, सड़ चुकी थी। तो इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत करके कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें और भी कई सारे पार्ट्स ऐसे होंगे जिनकी यही हालत होगी। सो मैंने कस्टमर को ये उसके लिए मीटर ये पैक कर दिया था, उसमें दूसरा बोर्ड लगा के, और इसको मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। कस्टमर की मेरी बात हो गई थी, ठीक है, उनको ओके बोर्ड करके चाहिए, ठीक है, मैं उनको देने वाला था, बट फिर वो बोलते हैं कि मुझे इसमें मॉडिफाई भी कराना है। तो मॉडिफाई कराने के लिए तो दोबारा से पूरा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला था, तो मीटर को हमने वापस खोल दिया और प्रोसेस अपना स्टार्ट करने के लिए इसके बॉडी को रख दिया साइड में और वापस आ गए हम इसके मीटर के ऊपर। तो अभी हमें करना क्या है, सबसे पहला काम इसका डिस्प्ले बाहर निकालेंगे। इसमें दो साइड के पिनें मुड़े रहती हैं और एक पिन तो टूट भी गई थी, सिर्फ सीधी करी और वो टूट गई, पहले से कमजोर थी शायद, और कुछ रस्टिंग वगैरह इसमें भी थी थोड़ी डिस्प्ले पे, बट कोई दिक्कत नहीं, मीटर परफेक्टली वर्किंग है। सो ये है इसका डिस्प्ले, अच्छी कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फेडनेस नहीं है, प्रॉपर वर्किंग है। तो अभी हम जो करने वाले हैं वाइट वाला इसमें जो लाइट लगाएंगे, तो वाइट लाइट लगाने के लिए पहले तो मुझे इसमें करंट चेक करना है, इसकी जो ओरिजिनल लाइट है वो कितने वोल्ट से जल रही है, कितने वोल्ट की वो लाइट लगी हुई है इसके अंदर, SMD लगी हुई है, और उसको सप्लाई आ कहाँ से रही है, क्योंकि वहीं से मुझे इसको सप्लाई चेंज करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो लाइट के ऊपर जो सप्लाई जा रही है वो और कहीं तो नहीं जा रही, पता लगा मैंने लाइट के लिए सप्लाई बढ़ा दी और पीछे से और जगह पे भी वो सप्लाई जा रही थी जहाँ पे ज़्यादा वोल्ट नहीं जाने चाहिए थे वहाँ पे चले गए और कुछ ख़राब हो जाए। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से मैं इसमें चेक करूँगा क्या क्या सप्लाई लाइट के ऊपर आ रही है, और सिर्फ लाइट की ही सप्लाई चेंज हो इस तरीके से मैं इसमें काम करने वाला हूँ। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, तो इतना मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी दे देता हूँ। मैं अभी महाराष्ट्र में रह रहा था, 10 साल से मैं महाराष्ट्र में ही था यहाँ पे, और ये सब काम कर रहा था मैं यहाँ पे, बट अभी मैं वापस दिल्ली के पास में मुजफ्फरनगर के एरिया है, मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ और अभी वहीं से ऑपरेट करूँगा। तो 24-25 तारीख तक जिन्होंने मुझे मीटर भेज दिए हैं, कुरियर से भेज चुके हैं, उनका मैं काम यहाँ से निपटा के पूरा उनका रिटर्न करके ही जाऊँगा। और वापस जो मैं नया काम लेने वाला हूँ वो मैं 1 अप्रैल के बाद से लेने वाला हूँ। तो नंबर मेरे यही रहेगा, अभी आप मुझे आपके मीटर का व्हाट्सएप पे वीडियो बना के भेज के और वापस कॉल करेंगे तो मैं आपके जो भी आप मैसेज किया होगा आपने उसका आपको रिप्लाई भी दूंगा, बट कॉल करना ज़रूरी है, कॉल नहीं करेंगे तो मैं आपका मैसेज पढ़ूंगा भी नहीं, सॉरी हाँ उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंटिन्यू मैसेज करते रहते हैं और सोचते हैं कि रिप्लाई करूंगा, अगर मैं सिर्फ
ऐसे ही पर मैसेज का रिप्लाई करने लग जाऊंगा, तो सच बताता हूँ मैं पूरे दिन सिर्फ मैसेज मैसेज में ही रह जाऊंगा और तब भी मैसेज कंप्लीट नहीं होंगी, क्योंकि मेरे पास डेली के 100 150 200 250 मैसेज तक आ जाते हैं। तो इसलिए आप मैसेज करके या कोई भी वीडियो वगैरह भेज के आपके मीटर का कॉल ज़रूर करें। तो सारी बात यह है कि लोकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा, आप भारत में कहीं से भी हैं आप कुरियर द्वारा मीटर भेज के रिपेयर करा सकते हैं। सो अभी लोकेशन मेरा महाराष्ट्र था और अभी लोकेशन उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है सर्विस में, सर्विस आपको उतनी ही सही तरीके से मिलेगी। उल्टा जो सामान मुझे यहाँ पे महाराष्ट्र में अवेलेबल नहीं होता था वो दिल्ली नज़दीक होने की वजह से वो जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, शायद अभी टाइम भी कम लगा करेगा। और मोस्टली जो मेरे पास जो कस्टमर्स हैं वो यूपी साइड के भी बहुत सारे हैं, यूपी बिहार और ये आपका जम्मू कश्मीर हिमाचल, महाराष्ट्र के भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बट अभी महाराष्ट्र वालों को कुरियर चार्ज थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सेम स्टेट के लिए 90 रुपीज़ है, नेबर स्टेट के लिए 120 या 160 है, अदर स्टेट के लिए 160 या 180 है, और मैक्सिमम 200 के अंदर ही अंदर आपका वन साइड का कुरियर चार्जेस आ जाता है, भले ही आप इंडिया के किसी दूसरे कोने से भी हैं। अंडमान निकोबार वालों के लिए 280 रुपीज़ का चार्ज होता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बाय एयर ही कुरियर जाते हैं। तो ये मैंने आपको एक काफ़ी ज़रूरी जानकारी मेरे हिसाब से मैंने आपको दे दी है। तो अभी आ जाते हैं अपने मीटर पे, जिसमें हमने वाइट लाइट लगा दिया है और इसकी हमने शीट भी चेंज कर दी है, ये देख सकते हैं इसकी जो ओरिजिनल शीट रहती है उसके ऊपर ब्लैक कलर के इस तरीके से डॉट्स रहते हैं ताकि लाइट एक्यूरेट टाइप से ग्लो हो जाए। बट मेरे जो लाइट लगाने का तरीका है, मेरी जो लाइट है वो पूरी ब्लर साइड में चलती है, तो उसमें इस तरीके के डॉट की ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीट इसके नीचे लगा दी है लाइट के लिए ताकि अच्छे से ग्लो आए, काफ़ी अच्छा ग्लो आए। ये जो डॉट्स रहते हैं ये लाइट को कवर कर देते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि मुझे डार्क थीम डालना है, तो डार्क थीम में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट होनी चाहिए, और मेरे किए हुए मीटर में इतनी लाइट होती है डार्क थीम में कि आपको डे लाइट में आपको पता भी नहीं लगेगा कि मतलब थोड़ा भी महसूस नहीं होगा, पता तो लगेगा क्योंकि डार्क थीम किया है तो कोई भी आदमी बताएगा डार्क थीम में, ठीक है, बट आपको थोड़ा भी महसूस नहीं होगा कि आपको लाइट कम पड़ रही है, आपको प्रॉपर बिल्कुल धूप में भी आपको अच्छे से इसको विजिबल रहेगा, थोड़ा भी लाइट का आपको इशू नहीं आने वाला है। क्योंकि मैं जो लाइट यूज़ करता हूँ वो काफ़ी अच्छे वॉटेज में रहती है और अच्छा खासा ग्लो होता है उसका। सो अभी हम इसकी डिस्प्ले लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी बीच में एक महीना ना करने का जो डिसीज़न लिया है वो उसका रीज़न ये है कि मुझे मेरा जो महाराष्ट्र में जो मेरा फ्लैट था वो मैंने सेल कर दिया है, अभी मुझे सारा सामान यहाँ से शिफ्ट करवाना है मुजफ्फरनगर, उसके लिए मैं पैकर्स एंड मूवर्स वालों को ढूंढ रहा हूँ, तो वो सब सुविधा जब मुझे क्लियर हो जाएगी वो सब करने के लिए, यहाँ से पूरा सामान प्रॉपरली वहाँ पे सेटअप करने के लिए, उसमें जो टाइम जाएगा उसके लिए मैंने वो जो टाइम है काम ना करने के लिए इतना डिसाइड किया है। तो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूँ, बाकी फिर भी 1 अप्रैल तक का आपको मुझे टाइम देना होगा, क्योंकि 25 तारीख तक बहुत लोगों ने कुरियर कर दिए हैं आज की डेट तक, और अभी इन सब का काम मुझे कंप्लीट करके ही जाना है, इन सब का काम कंप्लीट करूँगा, जो बचा कुचा मेरा जो टाइम रहेगा उसमें मैं सामान वगैरह सब पैक करूँगा अपना, बाकी सब अरेंजमेंट करूँगा, और नई जगह तो नया सेटअप भी बनाना पड़ेगा, यहाँ पे तो मैंने वीडियो वगैरह के लिए सब कुछ सेटअप मोबाइल होल्डर वगैरह सब कुछ लगा रखा था, वहाँ पे जाके सब कुछ सामान भी बहुत सारा ऐसा है जो मुझे वहाँ पे नया खरीदना पड़ेगा। तो चलिए अभी मीटर पे आ जाते हैं, ये देखिए ये विदाउट ये डार्क थीम के पहले का सीन है, डार्क थीम करने से पहले हमें वाइट लाइट लगानी पड़ती है डिस्प्ले में, और देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आ रहा है वाइट में भी, बट ये जो वाइट लाइट है ये इतनी ज़्यादा है कि आपको रात को ड्राइव करने में प्रॉब्लम करेगी। अगर आप सिर्फ वाइट लाइट चाहते हैं आपके डिस्प्ले में तो मैं आपको जो लाइट का पैटर्न है वो अलग तरीके से बना के दूंगा, जिसमें लाइट का ग्लो इतना ज़्यादा नहीं होगा, ये लाइट का ग्लो सिर्फ और सिर्फ डार्क थीम के लिए अच्छा है, नहीं तो रात को आपको सिर्फ मीटर ही दिखेगा, सामने रोड दिखेगा ही नहीं। तो अभी इसको क्लीन कर लेते हैं डिस्प्ले को, क्योंकि अब हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं डार्क थीम शीट। सो
ये डिस्प्ले हमारा अच्छे से क्लियर हो गया है। और ये रही हमारी डार्क थीम की शीट। तो अभी हम इसको प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर विदाउट बबल, विदाउट अ सिंगल बबल, हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर लगाने वाले हैं। डिस्प्ले हमारे बिल्कुल क्लीन रहनी चाहिए। थोड़ा सा भी एक बाल जैसा भी कुछ आ जाएगा या कोई भी धूल का कण भी आ जाएगा तो बबल आ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं इसमें आए। प्रॉपर तरीके से हम इसको इसके ऊपर लगाने वाले हैं। और ये बड़े ही आराम से इसके ऊपर आराम से बैठ गया है। तो अब देखिए जादू डार्क थीम का, मेरा सच में फेवरेट है ये, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये। इसकी प्रोटेक्टिव लेयर भी हम उतार देते हैं और अब भी बिल्कुल नया डिस्प्ले हो गया है डार्क थीम में। और सच बताऊँ बहुत सुंदर दिख रहा है, नाइट लाइट में भी काफ़ी अच्छा ग्लो आएगा और डे लाइट में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ग्लो की। तो फ्रेंड्स मैं एक बार और बताना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं आजकल सच में बहुत लोगों का कमेंट पढ़ रहा हूँ, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा अच्छा लोग बोल रहे हैं। भगवान की कृपा से कोई गाली तो नहीं देता, खैर नहीं तो लोगों के जो कुछ जो ब्लॉगर्स होते हैं उनको तो कितने लोग गाली भी देते हैं, बट मेरा ये अच्छा है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं कोई भी मुझे गाली नहीं देता है, या कोई नया भी है तो भी गाली नहीं देता है, सब अच्छे अच्छे तरीके से, कोई उनको एडवाइस भी रहते तो अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से बताते हैं, और मैं भी उनका जितना हो सकता है उतना एक अच्छे तरीके से उनको रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ। तो इस मीटर में मुझे पानी जाने का सब जगह से पता चल गया था, कहाँ कहाँ से इसमें पानी जा रहा था। तो बहुत जगह से ये जो मीटर है वो डैमेज था, तो मैंने इसको पूरा फेवी क्विक से चिपकाया। पहले डैमेज क्या था, ये शीशा और ये प्लास्टिक ये दोनों अलग अलग हो चुके थे, ये ऐसा झरझर इसमें आवाज़ भी आ रही थी, मतलब बिल्कुल अलग हो चुके थे साइड से। तो मैंने इसको पूरा पहले फेवी क्विक से चिपका दिया था और अभी इसमें वापस एक लेयर मैंने इसमें एनाबॉन्ड की लगा दी है, ताकि एनाबॉन्ड क्या करता है, ये सूख के रबड़ बन जाता है, तो रबड़ बनने का एक फ़ायदा रहता है, ये कड़क वाले अगर आप ग्लू से चिपकाएंगे जैसे फेवी क्विक तो वो आपका थोड़ा सा वाइब्रेशन में वो छोड़ देता है, बट ये रबड़ ग्लू क्या करता है, ये उसको पकड़ के रखता है, क्योंकि इसके अंदर एक इलास्टिसिटी होती है थोड़ी सी, तो वो हिलेगा भी वाइब्रेट भी करेगा अगर वहाँ से, तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो नीचे से मैंने इसमें भर दिया पूरा, बट फिर भी मुझे थोड़ी इसमें तसल्ली सी नहीं हुई थी, तो पहले तो मैं इसके सारे स्क्रू लगा देता हूँ और उसके बाद ऊपर से भी मुझे जहाँ जहाँ से भी डाउट है कि इसमें पानी जा सकता है, मैंने वहाँ पर भी पूरा एनाबॉन्ड भर दिया और उसको इस तरीके से कर दिया ताकि वो कहीं से भी, मतलब कुछ भी हो, वाटर डैमेज ना हो मीटर। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ऑन रखें और सब्सक्राइब करके रखें मेरे चैनल। और आपको भी अगर कोई मीटर मुझसे रिपेयर कराना है तो आप मुझे व्हाट्सएप, ये जो ऊपर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस पर मुझे कॉल करके और आपका मीटर के बारे में जो भी डिटेल है वो व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं मुझे। और एक ज़रूरी चीज़, व्हाट्सएप पे कुछ भी मैसेज करेंगे तो प्लीज़ कॉल जरूर कीजिए, अगर कॉल नहीं करेंगे तो मैसेज रीड नहीं कर पाऊँगा। तो ये देखिए RPM स्पीड वगैरह सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है इसका, इसका वैसे मैंने पेट्रोल वगैरह सब कुछ पहले ही चेक कर लिया था। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मीटर के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।